हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू द माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं फॉर्म CSR1 के बारे में कि फॉर्म CSR1 क्या होता है और ये किन किस किस एंटिटीज़ पे एप्लीकेबल होता है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि ये अगर फॉर्म आप अपलोड करते हैं MCA 21 पोर्टल में तो इसका बेनिफिट क्या होता है और ये मैंडेटरी कब से हुआ है। ये वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक कंपनीज एक्ट का सेक्शन में लेकर के जाने वाला हूँ जो कि डील करता है CSR प्रोविजन से रिलेटेड। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलता है कि इंडिया में वो कंपनी जो कि बिजनेस कर रही है जिसका कि टर्नओवर या नेटवर्थ या फिर नेट प्रॉफिट एक प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है तो उस पर CSR का प्रोविजन अप्लाई हो जाता है सेक्शन 135। जब ये प्रोविज़न अप्लाई हो जाता है तो कंपनी का नैतिक जिम्मेवारी हो जाता है कि अगर वो इंडिया में बिजनेस कर रहा है और वहाँ से प्रॉफिट उसको कुछ हो रहा है तो उसको CSR एक्टिविटीज़ के टूवर्ड्स उसको खर्चा करने का तो जब ये प्रोविज़न अप्लाई हो जाता है सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 तो कंपनी को क्या करना होता है कि 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट अर्नड इन लास्ट 3 प्रीसीडिंग फिनंशियल ईयर का 2% उसमें क्या करना पड़ता है CSR एक्टिविटीज़ के टूवर्ड्स उनको खर्चा करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लास्ट 3 इयर्स में अगर आप 1200 करोड़ रुपए का अर्निंग किए हैं यानी कि कमाए हैं तो डिवाइड बाय 3 यानी कि उसको एवरेज करके डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो 400 करोड़। तो 400 करोड़ का 2% कितना हो गया 8 करोड़। 8 करोड़ आप क्या करना पड़ेगा आपको CSR एक्टिविटीज़ के टूवर्ड्स आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो ये जो 2% का ये जो लिमिट है ये मिनिमम लिमिट है, आप इससे चाहे तो ज़्यादा भी खर्च कर सकते हैं। तो इसमें जो कंपनी जिस पे ये CSR का प्रोविज़न अप्लाई होता है तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि या तो कंपनी खुद या फिर किसी ट्रस्ट या सोसाइटी जो कि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वगैरह लिए हुए हैं उनको पैसा दे और CSR का जो एक्टिविटीज़ है वो करें। तो मैं आप लोगों को अब ये बताने वाला हूँ कि CSR एक्टिविटीज़ क्या है। तो जैसा कि एक जनरल डेफिनेशन का अगर हम लोग बात करें कि जो भी प्रमोटिंग ऑफ एडुकेशन जेंडर इक्वालिटी या उसके लिए आपने कोई खर्चा किया या फिर हंगर यानी कि पॉवर्टी लाइन से बिलो जो लोग होते हैं उसके लिए आप कुछ खर्चा करते हैं तो ये सारा चीज़ है CSR एक्टिविटीज़ में आ जाता है। इसके अलावा भी इनका एक ब्रॉड डेफिनेशन है और वहाँ पर काफ़ी सारे लिस्ट हैं CSR एक्टिविटीज़ का, आप चाहे तो गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जब ये प्रोविज़न अप्लाई हो जाता है तो CSR एक्टिविटीज़ करने का जब बारी आता है तो उससे पहले क्या करना पड़ता है कि जो भी एंटिटीज़ CSR एक्टिविटीज़ करने जा रही है ठीक है उनको क्या करना होता है कि फॉर्म CSR1 MCA पोर्टल पे अपलोड करना होता है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 ये जो फॉर्म CSR1 है ये मैंडेटरी कर दिया गया है उन एंटिटीज़ पर जो कि CSR एक्टिविटीज़ कैरी ऑन करती हैं। ठीक है, तो या तो आप जिस पे सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई हुआ था वो कंपनी खुद CSR1 फॉर्म फिल कर सकती है अगर वो खुद से CSR का खर्चा कर रहे या फिर प्रिस्क्राइब लिस्ट ऑफ एंटिटीज़ है यानी कि आप NGO टाइप अगर आप कुछ बात करें सेक्शन 8 कंपनीज़ है जो कि इनकम टैक्स में 12A का रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं या फिर ATG वगैरह का रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं ये सारे प्रिस्क्राइब लिस्ट ऑफ एंटिटीज़ हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। इन सारे एंटिटीज़ पे अप्लाई होता है फॉर्म CSR1 जो कि एक विद इन टाइम आपको अपलोड करना मैंडेटरी हो जाता है MCA पोर्टल पे। जब आप ये फॉर्म अपलोड कर लेते हैं CSR1 तो क्या है कि वहाँ से एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है MCA पोर्टल का, एक सर्टिफिकेट आप लोगों को मिल जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। उसका बेनिफिट क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर आपको किसी भी कंपनी से फंड लेना है जिस पे CSR का प्रोविज़न अप्लाई होता है तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं यानी कि उस कंपनी को बोल सकते हैं कि आप मुझे पैसा दीजिए मैं CSR के टूवर्ड्स इस पे खर्चा करने वाला हूँ। तो बेसिकली इसका बेनिफिट यही है कि अगर आप फॉर्म CSR1 अपलोड कर देते हैं MCA में और उसका जो सर्टिफिकेट आपके पास होता है तो आप किसी भी कंपनी पे जहाँ पे उसको CSR खर्चा करने का लाइबिलिटी अराइज हो जाता है कंपनीज एक्ट के तहत तो उसमें क्या है कि आप कंपनी से बोल सकते हैं कि आप मुझे पैसा दीजिए मैं CSR एक्टिविटीज़ करूँगा और उस पर खर्चा करूँगा। तो बेसिकली ये जो NGO टाइप कंपनीज़ होते हैं जैसे सेक्शन 8 कंपनीज़ हो गया या फिर सोसाइटी एक्ट में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया ले रखा है या फिर आप बोल दीजिए कि एंटिटीज इस्टेब्लिश्ड अंडर स्टेट लेजिस्लेचर और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी लिस्ट ऑफ एंटिटीज़ हैं जो कि
फॉर्म CSR-1 फिल करने के लिए लाइबल हो जाते हैं तो उनको लाइबिलिटी अराइज हो जाता है कि उनको फॉर्म CSR-1 फिल करना ही है। और इसका जो खर्चा आता है लगभग मतलब 3000 के आसपास आता है अगर आप टोटल ओवरऑल खर्चे का अगर बात करें। और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी आप लोगों के सामने रिफ्लेक्ट कर रहा होगा कि CSR-1 फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर किन का होना चाहिए? जो ऑथराइजिंग पर्सन है उनका डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। और जैसे CA का भी एक डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर्ड होता है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक रेजोल्यूशन भी पास करना होता है जैसे जिसमें रेजोल्यूशन नंबर और डेट मैंडेटरी है, यानी कि वो किस दिन पास हुआ था, ठीक है, और उसका नंबर क्या था, वो चीज़ भी मैंडेटरी हो जाता है CSR-1 फॉर्म फिल करने के लिए। तो बस CSR का एक ओवरऑल छोटा सा आप लोगों के सामने ये वीडियो था। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।